नमस्कार बच्चों, पंजाबी दी क्लास विच तुहाडा स्वागत है। हाँ बच्चों, मैं तुहानू की करवा रही सी, मैं तुहानू करवा रही सी मॉडल टेस्ट पेपर। की करवा रही सी? मॉडल टेस्ट पेपर तीन, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर तीन, जिंदी मैं तुहानू वन पार्ट तुहानू मैं वीडियो दा करवा दिता। अज मैं तुहानू वाइट बोर्ड ते सैकेंड पार्ट करवाऊंगी। किंदा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर तीन अज करांगे आपां। इहदे विच आए प्रश्न उत्तर लेख बारे चर्चा करांगे। चर्चा करन तो बाद आपां इहनां दे आंसर लिखांगे। पहला मैं तुहानूं प्रश्न करवाउण जा रही हाँ, वर्णा दी माला नूं की कहा जाता है। ये सारे तुसी आपदी बुक विच ही पूरे करने हैं। अपनी बुक निकालो ते मेरे नाल ना करो। वर्णा दी माला नू की कहा जाता है, पहला प्रश्न की है। वर्णा दी माला नू, वर्णा दी माला नू की कहा जाता है। इसका आंसर की आएगा? उत्तर वर्णा दी माला नू वर्ण माला, वर्णा दी माला नू वर्ण माला कहा जाता है। ये थोड़ा उत्तर हो गया। प्रश्न सी कि वर्णा दी माला नू की कहा जाता है। हुण आंसर, पहला पूछा सी वर्णा दी माला नू की कहा जाता है, तो इसका आंसर आया वर्णा दी माला नू ही वर्णमाला कहा जाता है। देखो वर्ण ऊड़ा आड़ा ईड़ी ससा हाहा एक ही एक दूसरे के नाल वर्ण जुड़ते जा रहे हैं, तो एक ही थोड़ी एक तरह की यह माला ही बनती जा रही है। वर्णमाला, वर्णमाला पूरी हो जाएगी वो की बन जाएगी, एक वर्णमाला का रूप ले लेगी। हुण इस वर्णमाला विच किन्ने अक्षर होंदे हन? इस वर्णमाला विच 41 अक्षर होंदे हन। जदों तुहानू कोई पुछदा है कि वर्णमाला विच किन्ने अक्षर होंदे हन, तुहाडा आंसर होएगा 41। जेकर तुसी इहनू 35 कहोगे तो तुहाडे 35 अक्षर गलत मन्ने जाणगे, क्योंकि वर्णमाला विच 35 अक्षर पहला सी, हुण इहदे अक्षर 41 यानी कि 41 अक्षर हैं। ठीक है, इसी तुहाडा पहला प्रश्न। हुण है तुहाडा सैकेंड प्रश्न। सैकेंड की है? निरार्थक शब्द की होंदे हन? निरार्थक शब्द की होंदे हन? निरार्थक शब्द की होंदे हन? इहदा उत्तर है निरार्थक शब्द, निरार्थक शब्द की होंदे हन? एक है सार्थक शब्द की होंदे हन? सार्थक शब्द सब समझते हैं। सार्थक शब्द वो होंदे हन जिन्हां दा कोई ना कोई शब्द का अर्थ होंदा है। सार्थक शब्दों विच किस शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है, पर निरार्थक शब्द वो होंदे हन जिन्हां दा कोई अर्थ नहीं होंदा। निरार्थक शब्द वो होंदे हन जिन्हां दा कोई अर्थ नहीं होंदा। निरार्थक शब्द वो होंदे हन जिन्हां दा कोई अर्थ नहीं होंदा। निरार्थक शब्द वो होंदे हन जिन्हां दा कोई अर्थ नहीं होंदा। हुण ये सी तुहाडे प्रश्न उत्तर। हुण एक प्रश्न शायद रह गया, मौखिक भाषा किसनूं कहा जाता है? मौखिक भाषा लिखो, मौखिक भाषा नूं
मौखिक भाषा किसनों कहते हैं? किसनों कहते हैं? मौखिक भाषा वो होती है जदू मनुख अपनी गलबात नू बोल के दूसरे नू समझाता है, बोल के दूसरे नू समझाता है, उसनू मौखिक भाषा कहा जाता है। इसी तरह एक और प्रश्न बनता कि लिखित भाषा किसनू कहते हैं? इहदे विच इहदा उल्टा हो जाएगा। जदू असी अपने मन दे भाव नू बोल के नहीं यानी कि लिख के दूसरे के सामने प्रकट करते हाँ तो वह लिखित भाषा होंगी है। मौखिक भाषा पर अपन पूछे हूँ आप लिख रहे हैं मौखिक भाषा किसनू कहते हैं? मौखिक भाषा ओ होंगी है जदों मनुख अपनी मनुख अपनी गल बोल बोल के अपने विचार मनुख अपने विचार बोल के प्रगट करता है, उसनू मौखिक भाषा कहा जाता है। उसनू कैड़ी भाषा कहा जाता है? मौखिक भाषा। इसी तुहाडे मॉडल टेस्ट पेपर दे नंबर 3 दे प्रश्न से 3 प्रश्न से प्रश्न नंबर 7 से हेठ लिखे प्रश्न के उत्तर दे। 3 प्रश्न से मैं थानू तीनों प्रश्न करवाते हूँ मैं थानू करवाऊंगी हेठ लिखे विषयों विचों किसी एक विषय पर अपने विचार सांझे करो। देखो हेठ लिखे विषय विचों किसी एक विषय उत्ते लेख लिखो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की है? हेठ लिखे विषय हेठ लिखे विषय विचों किसे विषय विचों किसे एक विषय ते लेख लिखो विषय ते लेख लिखो। एक ही हम थोड़ा लेख लेख की है मैं ते अंब मैं ते अंब अंब शायद मैं थानू करवा दिता है। हुण मैं थानू मैं यानी कि अपना परिचय मैं मतलब अपना परिचय बारे दसन जा रही हाँ कि मैं थानू लेख करवाऊंगी। मैं लेख है मैं ते अंब दोनों फ्रूट के नाम ने दोनों नहीं अंब फ्रूट चाहता है। मैं यानी कि आपका परिचय माई सैल यह लेख मैं थानू शायद दोनों पहला भी करवा दिते है। ओह लेख तुसी अपनी बुक च ही कर लेनी है। लेख थानू करवाया होया है अंब का भी करवाया हुआ है तो मेरा परिचय मैं आऊँगा मेरे परिचय अपने बारे दसना ठीक है। ये तुसी आपदे दोनों ही कर लेना। चलो एक बार मैं तुहानू प्रश्न उत्तर फिर तू समझा देनी है। पहला की है वर्णा दी माला नू की कहा जाता है? वर्णा दी माला नू वर्णमाला कहा जाता है। वर्णा दी माला नू की कहा जाता है? वर्णमाला। नैक्सट है निरार्थक शब्द की होंगे ये तो आपको ऑटोमैटिक समझ भी आ जाना चाहिए। निरार्थक शब्द वो होंगे हैं जिन्हों का कोई अर्थ नहीं होंगे वो की होंगे ने निरार्थक शब्द।
सार्थक शब्द, सार्थक शब्द वह होंगे हैं जिन्हों का कोई ना कोई अर्थ होंदा है, वो सार्थक शब्द होंगे हैं। इस तरह ही अगला मौखिक भाषा किसनों कहते हैं, जदों मनुख अपने विचार नूं दूजे तक सांझा करन लई बोल के प्रगट करता है तां उसनूं अपने विचार जदों मनुख अपने विचार बोल के प्रगट करता है तां उसनूं मौखिक भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा आ जाए तां लिखित भाषा विच लिख के प्रगट करने नूं लिखित भाषा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।